इस वीडियो में हम लोग फर्दर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन देखेंगे और इस और इस ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन में जो जो एक्ट कवर हैं वो पाँच एक्ट हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू दूसरा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी तीसरा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू चौथा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एटीन एटी वन और पाँचवा है कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स हु मे एम्प्लॉय एन एजेंट एजेंट कौन एम्प्लॉय कर सकता है तो पहला ऑप्शन है एनी मेजर पर्सन सही है देखिए केवल एक ही ऑप्शन देखिए नहीं करेक्ट ए, सही करना है ऑप्शन चूज करना है पूरा ऑप्शन पहले आप लोगों को पढ़ लेना है एग्ज़ाम में उसके बाद क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा हो कुछ अलग टाइप का होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ट्वेंटी सिक्स है ये अलग क्वेश्चन ही आगे देखते हैं एनी मेजर पर्सन ये सही है ऑप्शन नंबर बी एनी पर्सन साउंड माइंड ये भी सही है सी देखिए एनी मेजर एंड पर्सन ऑफ साउंड माइंड तो सी सही है मतलब सी में ए एंड बी दोनों इंक्लूडेड है तो सी हमारा राइट right आंसर है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट right आंसर है और इसका रेफरेंस मिलेगा आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 183 और सेक्शन 183 का टाइटल है हु मे इंप्लॉय एजेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27 क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इन विच ऑफ द फॉलिंग कंडीशन कैन एन एजेंट किस कंडीशन में एजेंट सब डेलीगेट फर्दर डेलीगेट कर सकता है अपना ऑथोरिटी किसी दूसरे पर्सन को तो पहला ऑप्शन है वेन इट बेनिफिट्स द प्रिपल दूसरा वेन इट सूट्स द एजेंट तीसरा वेन द एजेंट बिकम्स इल और चौथा वेन कॉमर्शियल प्रैक्टिस इन्वाल्वस सच डेलीगेशन तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट right है राइट right ऑप्शन है और इसका रिफरेंस मिलेगा आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन हंड्रेड सेवेंटी टू का सेक्शन वन हंड्रेड नाइन्टी में का टाइटल है एजेंट कैन नॉट टाइटलिगेट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इमिटी होल्डर एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिस ऑथोरिटी इज एन टाइटल फ्रॉम द प्रोम रिकवर कर सकता है ऑप्शन पर ये पहला ऑप्शन ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कम्पेल्ड टू पे इन एनी सूट ये रिकवर कर सकता है ऑप्शन नंबर बी ऑल कॉस्ट विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट ये भी रिकवर कर सकता है ऑप्शन नंबर सी ऑल सम्स विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ एनी सूट ये भी कर सकता है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है और इसका रेफरेंस मिलेगा आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन वन में और इसका टाइटल है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर वेन सूड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन द केस ऑफ मॉसेस वर्सेस मैकफर्लन डील्स विथ विच आर द फॉलोइंग किससे डील करता है मॉसेस वर्सेस मैकफर्लन केस तो ये डील करता है कोासी कॉन्ट्रैक्ट हमारा ऑप्शन नंबर ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है अ कोसी कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ रिट्रोक्टिव अरेंजमेंट बिटवीन टू पार्टीज हु हैव नो प्रीवियस ऑब्लीगेशन टू वन अनदर अदर कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होते हैं और से कॉन्ट्रैक्ट मतलब हाफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें दो दो पार्टी होते हैं और दोनों के बीच में प्रीवियस कोई भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट प्री डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता है और ऐसा अरेंजमेंट कब आता है जब गुड्स और सर्विसेज आर एक्सेप्टेड दो नॉट रिक्वेस्टेड बाय अ पार्टी जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने किसी को गुड्स भेजा लेकिन मिल गया किसी और पर्सन को और वो पर्सन यूटिलाइज कर लेता है तो इसे कौशी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा और वो बाउंड रहेगा कि उसे पेमेंट करें द एक्सपेक्टेशन दैन क्रिएट्स एन एक्सपेक्टेशन ऑफ पेमेंट मॉसिस वर्सेस मैक एक बहुत ही फाउंडेशनल केस है लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन में होल्डिंग दैट इन सर्टन सर्कमें वन मनी इज पेड बाई मिस्टेक गलती से मनी पे हो जाता है फॉर फेल्ड कंसिडरेशन और अंडर ऑपरेशन द लॉ विल अलाउ द मनी टू बी रिकवर अगर मान लीजिए गलती से आप किसी को पे कर देते हैं तो मनी वापस आपको मिलेगा ये ऐसी कॉन्ट्रैक्ट कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन वेन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्सटीट्यूट द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट दो दो पार्टीज हैं या दो से अधिक पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट है। पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट है चाहते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू या कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ले आए विद अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट उसे क्या कहा जाएगा सब्सटीट्यूशन कहा जाएगा नोवेशन कहा जाएगा तो उसको नोवेशन कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी इसका डिफरेंस मिलेगा आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन सिक्सटी टू में सेक्शन सिक्सटी टू है इफेक्ट ऑफ नोवेशन रन एंड एल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आइए फर्दर देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन एन अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लेन कोई सेलर है सामान बेच दिया है इसलिए उसे सेलर कहा जा रहा है और उसे पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है तो वो अनपेड सेलर है वो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कब कर सकता है पहला वन ही हैज डिलीवर गुड्स टू द बायर ऑप्शन नंबर बी वन द बायर हैज लॉफुली ऑप्टेंड पोजिशन ऑफ गुड्स ऑप्शन नंबर सी वेन द सेलर हैज़ वेव्ड द राइट ऑफ लीन या ऑप्शन नंबर डी वेन द बायर हैज बिकम इंसॉलमेंट तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जब बायर इंस्टॉलमेंट हो जाता है और इस मिलेगा आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन के सेक्शन 47 में सेक्शन 47 है सेलर्स लीन अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एम खत्म हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स डेफिनेशन ऑफ गुड्स में कौन इंक्लूडेड नहीं है एक्शनेबल क्लेम ऑप्शन नंबर ए ये हमारा राइट right आंसर है ये गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है और इसका रेफरेंस मिलेगा आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन टू क्लॉज सेवन में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ऑप्शन नंबर ए देखिए देखिए इस वीडियो में मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा हूं वीडियो को वीडियो लंबा ना हो इसलिए लेकिन एग्जाम में आप लोग को ऐसा नहीं करना है एग्जाम में आपको ईच एंड एवरी ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है जल्दी जल्दी पढ़ना है क्योंकि उसमें टाइम की कमी भी होती है तो आइए हम लोग देखते हैं आगे देखते हैं विच ऑर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ऑप्शन नंबर ए कंडीशन एंड वारंटीज आर स्टिपुलेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सही है ऑप्शन नंबर बी स्टिपुलेशन एज अ वारंटी मे नॉट बी ट्रीटेड एज कंडीशन ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है और इसका रिफ्रेंस मिलेगा आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन ट्वेल्व में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर अ सेलर सेल्स अंडर गारमेंट्स विच कॉसेस स्किन डिजीज टू बायर अंडर गारमेंट्स सेल करता है और बायर को स्किन डिजीज हो जाता है तो सेलर का लाइबिलिटी क्या है पहला है ही इज लाइबल फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी दूसरा है ऑप्शन बी इज लाइबल फॉर ब्रीच ऑफ अ कंडीशन तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट right आंसर है और ये जो फैक्ट है सेलर ने अंडर गारमेंट्स बेचा और बायर को स्किन डिजीज हो गया एक ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट के केस पे बेस्ड ये फैक्ट है और केस का नाम है ग्रांट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन नेटिंग मेल्स एच और इसका रेफरेंस मिलेगा आपको सेक्शन ट्वेल्व सबसेक्शन टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव विच आर द इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द डॉक्टर ऑफ नेमो डेट कोड नन हैबिट तो पहले देखते हैं कि इस मैक्सिम का मीनिंग क्या होता है नेमो डेट कोड नन हैबिट का मतलब होता है नो वन गिव्स वॉट ही डजेंट है अगर आपके पास कुछ चीज़ वो चीज़ ही नहीं है तो वो कैसे आप दे सकते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपसे मांग रहे हैं कि भाई हमें दो लाख रुपए चाहिए और आपके पास दो लाख है ही नहीं आपके पास मात्र दो हजार है तो आप हमें दो लाख कैसे दे सकते हो तो यही इसका मीनिंग है नो वन गिव्स वॉट ही डजेंट हैव और इस रूल का एक्सेप्शन है कुछ एक्सेप्शन है छह छप्शन है पहला है स्टोपल दूसरा है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट तीसरा सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ओनर्स चौथा सेल अंडर अवॉयेबल टाइटल पांचवा सेल बाय अ सेलर इन पोजिशन आफ्टर सेल और छठा है सेल बाय बायर इन पोजिशन तो इसका ऑप्शन नंबर सी सेल बाय बायर इन पोजिशन बिफोर सेल ये हमारा राइट right आंसर है क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है इज फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन कौन सा एक्सेप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एक्सेप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स हु अमंग द फॉलोइंग पार्टनर देखिए पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट हो गया कौन पार्टनरशिप कौन हुआ कौन पार्टनर है ऑप्शन नंबर ए अ मनी लेंडर शेयरिंग द प्रॉफिट नहीं ये पार्टनर नहीं है ऑप्शन नंबर बी अ पर्सन शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ दैम तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है और इसका रेफरेंस आपको मिलेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन हंड्रेड थर्टी टू के सेक्शन फोर में सेक्शन फोर है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन अ पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप एट वेल ऑप्शन नंबर ए व्हेन नो प्रोविजन इज मेड फॉर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड ऑप्शन नंबर बी व्हेन नो प्रोविजन इज मेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आइदर ए और बी इज ट्रू और इसका रेफरेंस मिलेगा आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू के सेक्शन सेवन में सेक्शन सेवन है पार्टनरशिप एट विल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट विच आर द इज नॉट एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ होल्डिंग आउट अंडर सेक्शन ट्वेंटी एट ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर डी रिप्रेजेंटेशन विदाउट नॉलेज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अ माइनर माइनर के रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है पहला है ही कैनॉट बिकम अ पार्टनर विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट कौन सा सही नहीं है ही कैनॉट बिकम अ पार्टनर बी ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप सी ही इज़ पर्सनली लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट right आंसर है वो जो माइनर होता है वो लाइबल पर्सनली नहीं होगा तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ए माइनर ऑप्शन नंबर सी ही इज पर्सनली लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फॉर्म ये ऑप्शन से ये हमारा राइट right ऑप्शन है क्योंकि जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ये नॉट करेक्ट है और इसका रेफरेंस मिलेगा आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन थर्टी सब सेक्शन थ्री में सेक्शन थर्टी है माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर फाइलिंग अट अंडर सेक्शन सिक्सटी नाइन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट तो सेक्शन सिक्सटी नाइन क्या है सेक्शन सिक्सटी नाइन है इफेक्ट ऑफ नन रजिस्ट्रेशन तो इसका ऑप्शन नंबर डी आइए द इनफोर्समेंट ऑफ एनी स्टैच्यूट राइट हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन विच वेन अनेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर

तो ऑप्शन नंबर सी देखिए शेयर सर्टिफिकेट ये एग्जाम्पल नहीं है बाकी प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज चेक ये हमारा निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है और इसका रेफरेंस मिलेगा आपको निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 13 में सेक्शन 13 है नीगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी ए ड्रॉज अ चेक इन फेवर ऑफ बी ए एक चेक देता है फेवर ऑफ बी के फी को, बी को और बी माइनर रहता है और बी क्या करता है बी फर्दर इट इन फेवर ऑफ़ सी एंड सी इंडोर्स इन फेवर ऑफ़ डी और चेक होता है डिसऑनर्ड हो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है अबाउट द लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज तो ऑप्शन नंबर ए सी एंड डी कैन क्लेम फ्रॉम बी ये गलत है तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन है और क्योंकि बी तो माइनर है तो बी के रिगार्डिंग क्लेम नहीं किया सकता है और इसका आपको रेफरेंस मिलेगा निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 26 में नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 फोर विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू प्रेजेंटमेंट ऑफ फॉर एक्सेप्टेंस इज नॉट करेक्ट तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है द बिल कैन नॉट बी प्रेजेंटेड टू लीगल प्रेजेंटेशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ ड्राइंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन रिलेशन टू बाउंसिंग ऑफ अ चेक ऑप्शन नंबर ए ऑफेंस ऑफ चेक बाउंसिंग इज अ कम्पाउंडेबल ऑफेंस ये कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है और इसका रेफरेंस मिलेगा आपको निगोशियबल इंस्ट्रोमेंट एक्ट के सेक्शन वन हंड्रेड फोर्टी सेवन में सेक्शन वन फोर्टी सेवन है ऑफेंसिस टू बी कंपाउंडेबल सेक्शन वन फोर्टी सेवन निगोशियेबल इंस्ट्रोमेंट एक्ट का लास्ट सेक्शन है अब क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स हमारा अब स्टार्ट हो जाता है कंपनीज एक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट इन अ कंपनी शुड बी मेड टू द किसे होना चाहिए इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और इसका रेफरेंस आपको मिलेगा कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन के सेक्शन टू फोर्टी वन टू सेक्शन टू फोर्टी वन है एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ इन केसेस ऑफ ऑपरेशन एक्सेट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन फॉर डिजोल्यूशन ऑफ अ कंपनी द ट्रिब्यूनल शैल पास ऑर्डर ऑप्शन नंबर बी विन अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंप्लीटली वेफरेंस मिलेगा आपको कंपनीज एक्ट के सेक्शन थ्री हंड्रेड टू में सेक्शन थ्री हंड्रेड टू है डिजोल्यूशन ऑफ कंपनी बाई ट्रिब्यूनल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट right ऑप्शन है क्योंकि ये करेक्ट नहीं है अ कंपनी कैन हैव मोर देन वन मैनेजर एट द सेम टाइम और इसका रेफरेंस मिलेगा आपको सेक्शन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 196 और सेक्शन 197 में रीड विथ शेड्यूल फाइव पार्ट वन सेक्शन 196 है अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर और सेक्शन नंबर कंपनीज़ एक्ट कंपनी ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरल रिम्यूनोरेशन एंड मैनेजरल रिम्यूनोरेशन इन केस ऑफ एबसेंस और इन एलिक्सी

क्वेश्चन नंबर मैच मैचिंग है ये मैच लिस्ट लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन बिलो द लिस्ट मैच करना है तो लिस्ट वन है केसेस है और लिस्ट टू में उसके डॉक्टर एंड रूल दिए हुए हैं पहला है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कव ये किससे रिलेटेड है ये ऑप्शन ये फोर से इंदौर इंडोर मैनेजमेंट दूसरा केस सोलोमैन वर्सेस सोलोमैन एंड कंपनी लिमिटेड ये है कॉरपोरेट पर्सनालिटी से रिलेटेड तीसरा फोर्स वर्सेस हार बोटल रिलेटेड है रूल ऑफ मेजोरिटी से और चौथा है एश बरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिश ये रिलेटेड है डॉक्टर ऑफ अल्ट्राइल से तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ये हमारा राइट right आंसर है